अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है सब खुशी से खैर से होगा। हस्बैंड ने ना मुझे एनिवर्सरी पे नया फ़ोन गिफ्ट किया था, तो बच्चे मुझसे हमेशा पूछते रहते थे कि मम्मा अब तो आपके पास नया फ़ोन आ गया, अब क्यों नहीं व्लॉग स्टार्ट करती। उनके क्वेश्चंस पूछ के मैं थक गई, तो सोचा फाइनली मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। एंड आज ईद का दिन था, इससे बड़ा खुशी का दिन कौन सा होगा कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए आपके साथ मैं अपना ईद का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये मेरी बालकनी है जिसके बिल्कुल ऑपोजिट मस्जिद है। यहाँ पे फजर की नमाज़ के बाद टाइम स्पेंड करना बहुत रिलैक्सिंग होता है मेरे लिए। यहाँ पे थोड़ी देर बैठकर मैं इबादत कर लेती हूँ, एंड दिन भर की भागम दौड़ी से बचने का ये परफेक्ट सोल्यूशन है मेरे लिए। स्पेशली आज ईद के दिन तो यहाँ पे माहौल डबल द टाइम रिलैक्सिंग था, डबल सुकून मिल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके बच गए थे 6-8। अब मुझे जाना था किचन नाश्ता प्रिपेयर करने। ईद के दिन अपने मेहंदी चेक करना अलग ही वाइब होता है, तो अब मैं जा रही हूँ किचन। कहीं मैं किचन का रास्ता भूल ना जाऊँ तो हमेशा चीकू रेडी रहती है मुझे गाइड करने के लिए मेरे बेडरूम से किचन तक, क्योंकि उसका खाना किचन में है, तो उसे हमेशा ये टेंशन होती रहती कि कहीं मैं एड्रेस भूल ना जाऊँ किचन का। तो एज सून एज आई वेक अप शी गाइड्स मी टू द किचन। उसके साथ मैं जा रही हूँ किचन, वहाँ पे जाके अपने नाश्ते की प्रिपरेशन शुरू करूँगी। चांद रात के दिन ऑलमोस्ट मेरे सारे प्रिपरेशन ख़त्म हो जाते हैं। मीठा भी मैं बना के रख देती हूँ एंड आटा भी गूंद के रख दिया। अब जाकर नाश्ते की तैयारी करूँगी मैं और चीकू मिलकर। तो मैंने ऑलरेडी सेवियाँ बना के रख दी थी। ये शीर खुरमा है जिसकी रेसिपी क्वाइट सिमिलर है, जो आपके घर में बनते होंगे वैसे ही शीर खुरमा है। एंड इसके साथ साथ मैं हमारे यहाँ नाश्ते में बन रहा है आज रोटी और मटन के गुर्दे या फिर किडनी। ये हमारे यहाँ का टिपिकल ईद का नाश्ता होता है। वैसे मेरी बहुत अरमान थी इस साल मैं ईद का जाऊँ ईद की नमाज़ पढ़ने, बट बैंगलोर में ना उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है लेडीज़ के लिए ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ने की। बट अब पता चला कि मस्जिद अल नूर में प्रोविज़न है, बट मुझे तब पता चला जब ईद की सुबह की नमाज़ पढ़ी मैंने, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने आके बताया। बट बहुत लेट हो गया था एंड मुझे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था बच्चों को लेकर, तो इसलिए मैंने स्किप कर दी। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे ईद की। यहाँ पे सारा अपने ड्रेस फ्लेक्स कर रही है, एंड इस एज में एक्साइटमेंट ना अलग ही रहती है अपने ड्रेसेस शो ऑफ करने की। जिस घर में लड़कियाँ हो ना उस घर का ड्रेसिंग टेबल की हालत ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हुए हैं एंड आप देख ही सकते हैं ड्रेसिंग टेबल की हालत से। एंड ये मेरा ईद का ड्रेस है। तैयार होकर नमाज के बाद नाश्ते के बाद मैंने ले ली थी छुट्टी किचन से। मेरे यहाँ ईद की बिरयानी मेरे हस्बैंड बनाते हैं एंड उनकी बिरयानी सबको पसंद आती है, तो इसी बहाने में मैं भी किचन से छुट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि भाई महीने भर मैंने काम किया है, एक दिन तो छुट्टी लेना बनता है। पता नहीं ऐसी कौन सी नींद की दवाई मिली हुई होती है, स्पेशली ईद के लंच में खाते ही मुझे नींद आ जाती है। एंड अच्छे से सो गई मैं 2 घंटे, फिर उठकर रेडी होकर अपनों में ईद मिली, ईदी कलेक्ट की, फिर चले गए अम्मी के यहाँ ईद मिलने के लिए। ईद के दिन अपनों से ईद मिलना एक बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हम सबको ये नसीब करें। ये ईद के नेक्स्ट दिन की क्लिपिंग है। चाय का मज़ा आप चाय के तलबदार से पूछे जब वो बासी ईद के दिन नाश्ते के साथ चाय पीता है। इसका मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि महीना भर आप ये नहीं कर पाते, तो ईद के दिन ये कर पाना बहुत ही सुकून लाता है। मेरे गंदे काउंटर्स देखकर मुझे जज ना करें, क्योंकि आज बिल्कुल नहीं मूड था मुझे सफाई करने का। यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ एंड हस्बैंड और बेटी के लिए टी। नाश्ता वगैरह ख़त्म करके हमने थोड़ी गॉसिप की, जो कि जायज़ है करना। थोड़ी बहुत फ्रेंडली गॉसिप के बाद आज जुम्मा है, तो जुम्मे की नमाज़ की तैयारी कर ली, लंच बना लिया एंड सब लोग रेडी हो गए नमाज के लिए। यूजुअली हमारे यहाँ पे कस्टम होता है
बासी ईद के दिन कहीं पे बाहर घूमने का, बट आज जुम्मा था इसीलिए हमने प्लान कैंसिल कर लिया ताकि घर में सुकून से जुम्मा स्पेंड करें। एंड ये मेरा लंच था, बहुत अच्छे बने थे पेपर कबाब। इसकी रेसिपी काफ़ी सिंपल है, आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी या फिर कमेंट में मांग लेना। एंड उसके साथ बनाया था मैंने पेपर रसम, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही टेस्टी था। ये मोस्टली वीकेंड्स में मेरी गो टू रेसिपी होती है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होता है रसम और कबाब खाना, एंड उसका कॉम्बिनेशन भी ना बहुत सूदिंग होता है। यहाँ पे आप एक जादू देखेंगे क्योंकि जैसे ही बॉक्स खोला मैंने एक ही पान उठाया था एंजॉय करने के लिए। हस्बैंड के फ्रेंड लेकर आए थे, लंच के बाद हमने पान खा के लंच फिनिश किया था। तो जैसे ही मैंने वीडियो क्लिप फिर नेक्स्ट टाइम ऑन किया तो पान का डब्बा एकदम खाली हो गया था, बच्चों ने फिनिश कर दिया था पान, पर थे ही इतने टेस्टी, उन्हें क्या बोलूँ मैं। ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है जो कि सैटरडे की क्लिपिंग है। पेंडिंग हो गया था बाहर जाना तो हमने सैटरडे का प्लान कर लिया दिन भर बाहर स्पेंड करने का। लेट उठे थे तो इसलिए प्लान था ब्रंच का। यहाँ पे हम आ गए संगम मेस। ये होटल ना एकदम ओल्ड सिटी स्टाइल की वाइब्स देती है एंड जगह काफ़ी छोटी है, बट यहाँ का रश देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ का खाना क्या कितना टेस्टी होता है। स्पेशली यहाँ के सी फूड आइटम हम सबको बहुत पसंद है एंड दिस इज़ आवर सेकेंड टू थर्ड टाइम कमिंग टू दिस प्लेस। हस्बैंड के फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था ये प्लेस। हम यहाँ पे आ गए थे लंच के लिए एट अराउंड 1:30। तो यहाँ पे ना इतने अच्छे प्लेजेंट से वाइब्स मिलते हैं। एक्चुअली प्लान ये था कि सब लोग यहाँ पे जाके आफ्टरनून मील एंजॉय करेंगे। आफ्टरनून मील पे यहाँ पे यूजुअली राइस के साथ आपको सांभर या फिर फिश करी का ऑप्शन है, अलोंग विद 2-3 सब्जी, चटनी पूरी, अचार एंड पिकल, जो कि एक स्टैंडर्ड साउथ इंडियन मील में होता है। बट यहाँ पर आकर बच्चों ने सोचा कि इतनी अच्छी जगह आए हैं एंड सी फूड खाने का अपॉर्चुनिटी नहीं गंवा सकते, सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर फिश। मैंने मील ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे पास सब्र नहीं था, मुझे ज़्यादा भूख लग गई थी। आई कुडंट वेट फॉर बिरयानी इवन फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ज़्यादा टाइम नहीं लिया इन्होंने, जल्दी सर्व कर दिया एंड दैट वाज अ प्लस पॉइंट क्योंकि काफ़ी भूखे थे हम लोग, सवेरे से कुछ नहीं खाया था। यहाँ पे क्रैब मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम क्रैब खा रहे थे, मुझे लगा कि बच्चे नहीं पसंद करेंगे, बट सरप्राइजिंगली बच्चों को बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी, उसने इंजॉय किया क्रैब्स एंड शी इज़ अ बिग फूडी। तो जब भी बाहर आएँ एक फूडी के साथ तो गिल्ट फ्री खाने का मज़े लेना एक अलग ही बात होती है। सो वेन एवर यू आर आउट विद अ फूडी यू विल एंजॉय द फूड। उसके बाद हम चले गए थे एक लॉन्ग ड्राइव। घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं था एंड हमारे पास पूरा दिन पड़ा था वीकेंड, तो इसलिए सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़े राइड के मज़े लेते हैं। बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में हमें थोड़ा काम भी था तो इसलिए आज हम बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स के थोड़े सैर कर रहे हैं। मुझे लॉन्ग ड्राइव इसलिए पसंद है ताकि मैं अपना ब्रेन शट ऑफ कर सकती हूँ एंड कामली सीनरीज एंजॉय कर सकती हूँ, एंड बहुत ही ज़रूरी होता है स्पेशली इस भाग दौड़ कॉम्पिटिशन की लाइफ में। तो कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, फैमिली गपशप करना एंड एंजॉय करना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ इस तरीके का लाइट फॉर्मल कॉन्वर्सेशन का माहौल रखें ताकि वो भी अपनी लाइफ की एवरी सिंगल थिंग हमारे साथ शेयर कर सकें। हाईवे पर जा रहे थे तो नोटिस किया रॉयल ओक पे 70% डिस्काउंट है, 70% ऑफ था, तो इसलिए हम आ गए थोड़ा चेक करने के लिए। यहाँ पे उतना खास कलेक्शन था नहीं एंड जिस पर 70% डिस्काउंट था
वो पीसेस इतने वर्थ मुझे नहीं दिखे। थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ करने के बाद हम लोग फिर वापस चले गए। यहाँ पे एक फार्म हाउस में हमारा कुछ काम था, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके हम लोग। और उसके बाद हम चले गए डेकेथलॉन। वहाँ पे मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी अपनी जिम वेयर की। मेरे जिम के शूज़ बहुत पुराने हो गए थे, वर्न आउट हो गए थे, इसलिए मुझे नए शूज़ लेना था। रास्ते में ही डेकेथलॉन था तो वहाँ पे हम चले गए आफ्टर दिस। एंड यहाँ पे मुझे इनका घर मिला। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए डेकेथलॉन, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद हम चले गए घर। तो ये थे मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाय।